हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल स्टाइल एंड डाइन। आई एम शिल्पी एंड आई होप आप सब अच्छे होंगे। आज मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ माय फेवरेट पेन कलेक्शन, जो समर्स में मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है। मतलब आप उनको मस्ट हैव मान सकते हो कि आज मैं जो आपके साथ पेन शेयर करूँगी उनमें आप समर्स में ज़रूर इन्वेस्ट कर सकते हैं। मुझे कहीं पार्टी में जाना हो, शॉपिंग के लिए जाना हो, मूवी के लिए जाना हो, या पूरा डे आउट के लिए मुझे कहीं बाहर जाना हो, तो इनमें से ही मैं कुछ एक पेन को सिलेक्ट कर लेती हूँ एंड गुड टू गो। मतलब ये इतनी ज़्यादा कम्फर्टेबल रहती हूँ, साथ ही साथ बहुत ज्यादा स्टाइलिश भी लगती हैं। ट्राई करूंगी कि प्रोडक्ट की लिंक आपके साथ शेयर कर पाऊं, क्योंकि कुछ पेन्स अभी खरीदी हैं, कुछ पेन्स पुरानी है, बट ट्राई करूंगी कुछ वैसा मिलेगा तो सिमिलर नीचे लिंक आपके साथ शेयर कर दूंगी। तो वीडियो अच्छा लगे, हेल्पफुल हो तो प्लीज लाइक शेयर जरूर कीजिएगा। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए। मोर अपडेट्स के लिए आप मुझे इंस्टा पे फॉलो कर सकते हैं, इंस्टाग्राम हैंडल है style.n.dine। तो चलिए स्टार्ट कर। स्टार्ट करते हैं वाइट क्लासी पेन से। वाइट कलर की पेन्स आपकी वार्डरोब में होनी चाहिए। इसका जो लुक है, मतलब पैटर्न है, वो पूरा वेलवेटम वाला है। ऊपर से थोड़ा सा हिप से थोड़ा टाइट एंड नीचे से आते आते थोड़ा सा वाइड लेग वाला हो जाता है। इसको मैंने शीन से लिया था। ऐसी पेन्स आपको फ्लिपकार्ट, अमेजोन, मिंत्रा पर ईजिली मिल जाएगी। लिंक मिलेगा तो मैं नीचे आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में छोड़ दूंगी। वाइट पेन बहुत ही ज़्यादा क्लासी, गॉर्जियस एंड अट्रैक्टिव लगती है। एक वाइट पेन में आपको ज़रूर इन्वेस्ट करना चाहिए, मैं आपको ये बोलूंगी। इसको अगर आपको पार्टी में जाना है तो आप कोई सीक्वेंस टॉप के साथ या फिर कोई शिमर टॉप के साथ, क्रॉप टॉप के साथ स्टाइल कर सकते हैं। आपको कोई फॉर्मल लुक चाहिए तो आप इसको ब्लेजर के साथ स्टाइल कर सकते हैं। आपको कहीं ऐसे कैजुअली जाना है तो आप इसको टी शर्ट के साथ स्टाइल कर सकते हैं। व्हाइट पेंट बहुत तरह से यूज होती है और मैं तो आपको बोलूंगी कि एक व्हाइट कलर की क्लासिक पेंट में आपको जरूर इन्वेस्ट करना चाहिए। फैब्रिक बहुत ही ज्यादा इनका हल्का होता है पेंट्स का, तो समर में बहुत ज्यादा कंफर्टेबल होती है। इसका जो फैब्रिक है काफी ब्रेथेबल है। यहाँ पर कुछ इसमें ऐसे डिटेलिंग है आगे बटन्स की, क्लोजर के लिए पीछे एक जिप की डिटेलिंग है। जिप से अभी मैं आपके साथ कुछ ऐसा सेम मिलेगा तो नीचे आपको मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में छोड़ दूंगी, तो आप जरूर चेकआउट कर लीजिएगा। सेम जैसे व्हाइट है, मेरे पास एक ऐसे ब्लैक कलर की भी है। इसका ये भी हाईवेस्टेड है, तो ब्लैक एंड व्हाइट जो पैंट्स होती है बहुत ही ज्यादा यूजफुल होती है। मतलब आपको कुछ नहीं सोचना, अगर आपको कहीं भी जाना है, मतलब पार्टी में जाना है, फ्रेंड्स के साथ जाना है, मूवी के लिए जाना है, तो ब्लैक एंड व्हाइट पैंट में से अपनी कोई भी एक पैंट उठाइए, उसके साथ कोई भी अपना टॉप जो है, इनके साथ बहुत सारे कलर्स मिक्स एंड मैच हो जाते हैं, तो कोई भी टॉप वेयर अपना स्टाइल कीजिए, अच्छे से एक्सरसाइज होइए और गुड टू गो एंड मतलब कंफर्टेबल रहोगे। ये वाली पैंट जो मैंने ली थी, इसको मैंने सरोजनी से लिया था। इनका जो फैब्रिक होता है बहुत ही लाइट वेटेड होता है, मतलब ब्रिथेबल होता है। हल्का सा इसका फैब्रिक स्ट्रेचेबल भी है, लेकिन बिल्कुल भी ऐसा नहीं है कि गर्मी लगती है। इस टाइप की पैंट्स आपको मिंत्रा पर ईजिली मिल जाएगी। मैं जरूर ट्राई करूंगी, आपके साथ शेयर कर दूं। अगर आप दिल्ली की गर्ल्स है तो आप सरोजनी जरूर विजिट कीजिए, वहां पर आपको बहुत रीजनेबल प्राइस में मिल जाएगी। आई थिंक मैंने इसको जो परचेज किया था वो 200 की रेंज में किया था। नेक्स्ट पेन जो मैं आपके साथ शेयर करूंगी, जो आप समर्स में खरीद सकते हैं, वो है कुछ कलरफुल पेन्स। क्योंकि ये वाली जो पेन्स होती है कलरफुल, बहुत ही समरी वाली वाइब्स देती है इनके साथ, मतलब लुक बहुत ही ज्यादा कूल सा आता है। तो मेरे पास ये एक लाइलिक कलर की है, इसको मैंने मिंत्रा से लिया था, आपके साथ मैंने इसको शेयर भी किया है। इसका जो ब्रांड है वो है सेंस फ्रांस। इसका तो मैं आपको लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगी। साइज मंगाया था मैंने स्मॉल। हाई वेस्टेड है ये भी, तो मैं इजीली इसको बॉडी सूट के साथ, क्रॉप टॉप के साथ, स्पैगेटी के साथ समर्स में मैं स्टाइल करती हूँ। बहुत ज्यादा प्यारा लगता है, बहुत ही ब्यूटीफुल सा लुक आता है। ये पूरा नॉर्मल जैसे पेंस होती है, ऊपर से हाई वेस्टेड है एंड नीचे से जिसके हेम्स है वो थोड़े से नैरो है, मतलब पूरे स्ट्रेट में नहीं है, बट इसका लुक बहुत ज्यादा प्यारा आता है। क्लोजर के लिए यहाँ बटन है एंड जिप की डिटेलिंग का जो फैब्रिक है वो भी कॉटन बेस है, मतलब डेनिम वाला फैब्रिक नहीं है, जो मोटे डेनिम के फैब्रिक होते हैं, इसलिए जो इस टाइप की पैंट्स होती हैं वो बहुत ज्यादा कंफर्टेबल होती हैं। मेरे पास ये कलरफुल येलो कलर की पैंट है, इसको मैंने शीन से लिया था। ये भी हाई वेस्टेड है, ये कुछ क्लॉट्स टाइप है, मतलब इसका जो लेंथ है वो एंकल से ऊपर है, तो ये वाली पैंट्स भी बहुत ज्यादा अच्छी लगती है। फॉर्मल लुक भी हो जाता है, इनफॉर्मल लुक चाहिए, पार्टी वेयर लुक चाहिए, इन वाली पैंट से इजिली मैं कैरी कर पाती हूँ। ऐसी पैंट्स मैंने आपके साथ शेयर की है वेन्यूज एंड की लास्ट हॉल में अपने,
फ्लिपकार्ट बॉटम वेयर जो हॉल शेयर किया था, अगर आपने नहीं देखा है तो चेकआउट कर लीजिए, काफी अच्छी है। इसमें भी क्लोजर के लिए यहाँ पर पीछे से जिप मिल जाती है। पेंस में मोस्टली आपको जिप का क्लोजर मिलेगा, क्योंकि उससे क्या होता है कि जो लुक आता है वो बहुत ही ज्यादा स्लीक आता है, काफी ज्यादा अच्छा लगता है। इसका फैब्रिक भी कॉटन बेस है, तो मुझे इस टाइप की जो पेंस होती हैं वो बहुत ज्यादा कंफर्टेबल लगती हैं, काफी ज्यादा यूज होती हैं ये वाली। इसकी मैंने आपके साथ स्टाइलिंग वीडियो भी शेयर की इंस्टाग्राम पे, अगर फॉलो नहीं करते तो आप कर लीजिए। मेरा इंस्टाग्राम हैंडल है style.n.dine, वहां पर मैं डेली रील्स वीडियो अपलोड करती रहती हूँ स्टाइलिंग से रिलेटेड। तो सेकेंड जो मैं बोलूंगी, आप समर्स में कुछ ऐसे कलरफुल पेंस में इन्वेस्ट कर सकते हैं, काफी ज्यादा अच्छी लगती है, बहुत ही पॉपअप एंड बहुत ही कलरफुल सा लुक आता है। नेक्स्ट जो अब मैं शेयर करूंगी वो है चेक पेंस। चेक पेंस मैंने इवन आपके साथ लास्ट जो बॉटम वियर शेयर किया है हॉल, उसमें शेयर की है, तो उसी में से मैं शेयर करूंगी। ये वाली तो मैंने पहले खरीदी थी शीन से, लेकिन ये वाला अगर आपने मेरा हॉल देखा होगा तो आपने देखी होगी मैंने शेयर की, ये भी ब्लैक भी, मतलब इस टाइप की जो चेक वाली पेंस होती है वो बहुत ही ज्यादा अट्रैक्टिव, बहुत ही ज्यादा हटके लुक आता है उनसे, बहुत प्यारी लगती है, काफी ज्यादा जो कंफर्टेबल होती है, बिकॉज फैब्रिक जो है इनका वो कॉटन वाला है, बहुत ही पतला वाला फैब्रिक जो होता है, और ऐसा नहीं कि ट्रांसपेरेंट है तो अंडर गारमेंट्स जो होते हैं उसका चमकने का कोई इशू है, वैसा नहीं है। ऐसी वाली पैंट्स बहुत ही अच्छी लगती है, नॉर्मल सॉलिड टी शर्ट के साथ इनको स्टाइल करो या फिर कोई भी शर्ट के साथ आप इनको पहनो, बहुत अच्छा लगता है। बॉडी सूट के साथ पहनो, दोनों जो ये पैंट्स है हाई वेस्टेड है, इसको मैंने आपके साथ अभी शेयर किया है। इस टाइप के जो देखो कलर आप खुद देखें इनके साथ, मतलब इतने ज्यादा प्यारी सी वाइब्स आती है ऐसी पैंट्स के साथ, इनके साथ फोटोज बहुत अच्छे आते हैं। तो चेक वाली इसकी भी स्टाइलिंग वीडियो मैंने आपके साथ शेयर की है, इसकी भी स्टाइलिंग वीडियो मैं आपके साथ शेयर कर चुकी हूँ रील्स पे, तो आपने नहीं देखा है तो उसको चेकआउट कर लीजिएगा। तो मैं बोलूंगी थर्ड पेंस जिसमें आप इन्वेस्ट कर सकते हैं, काफी ज्यादा अच्छी लगती है, वो है चेक पेंस। और चेक पेंस ऐसी है कि कभी भी आउटडेटेड नहीं होती, आप उनको कभी भी स्टाइल कर सकते हैं, तो आप जरूर चेक पेन में इन्वेस्ट कर सकते हैं। लिंक सिमिलर इसका तो मैं आपके साथ शेयर कर ही दूंगी, ऐसा कुछ मिलेगा तो लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगी, तो आप चेकआउट कर लीजिएगा। टॉप जो मैंने वियर किया हुआ है ये मैं अभी लास्ट वीडियो में आपके साथ शेयर कर चुकी हूँ, मिंत्रा हॉल जो आपके साथ शेयर किया था, अगर नहीं देखा है आई बटन पर डाल दूंगी, नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगी, तो आप चेकआउट कर लीजिएगा। लास्ट पेंस जो मैं आपके साथ शेयर करूंगी मुझे बेहद पसंद है, मैं बहुत यूज करती हूँ उनको समर्स में, वो है कार्गो पेंस। मेरे पास एक ऑलिव ग्रीन कलर की है और ये एक ब्राउन कलर की है, दोनों की डिटेलिंग अलग है, ये थोड़ा कार्गो स्टाइल में है, नीचे इसमें ऐसे इलास्टिक की डिटेलिंग है, और जो ये वाली ब्राउन वाली है ये बिल्कुल स्ट्रेट है। पहले मैं आपको जो ये ऑलिव ग्रीन वाली है ये दिखाती हूँ। इसका जो फैब्रिक है वो भी कॉटन बेस्ड फैब्रिक है, इसमें ये इसका ब्रांड है जारा, और जो मेरा साइज है इसमें वो है 32। तो इसका जो लुक आता है, मैं इसको टी शर्ट के साथ और शर्ट के साथ नॉट करके स्टाइल करती हूँ, मुझे इतनी ज्यादा कंफर्टेबल रहता है, सुबह से शाम तक मेरे को कहीं जाना है या फिर मेरे को ऐसा कुछ कंफर्टेबली पहनना है तो मुझे ये वाली पैंट्स बहुत ज्यादा कंफर्टेबल लगती है। नीचे इनके साथ स्नीकर्स पहनो, ऊपर से कोई सॉलिड टी शर्ट पहनो, एंड गुड टू गो, बहुत स्मार्ट लुक आता है एंड इतना ज्यादा कंफर्टेबल रहता है बहुत। यहाँ पर ऐसे बट चटकनी है, क्लोजर के लिए जिप है, पॉकेट्स है, यहाँ पर ऐसे पॉकेट्स मिल जाती है नीज पे, एंड नीचे इसमें ये जैसे जॉगर्स में इलास्टिक की डिटेलिंग होती है वैसी है ये। ये मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है, मतलब मैं इसको बहुत यूज़ करती हूँ। आई थिंक मैंने इसको 2-3 साल पहले लिया था और ये अब भी ऐसी की ऐसी है। ऐसी जीन्स मेरे को पैंट्स मिलेगी तो नीचे आपके साथ शेयर कर दूंगी। है ये ब्राउन कलर की कार्गो पैंट, वो वाली जॉगर स्टाइल में थी, ये बिल्कुल स्ट्रेट है, यहाँ पे ये बिल्कुल स्ट्रेट है। तो इस टाइप की पेंट्स बहुत ज्यादा अच्छी होती है, बिकॉज ये थोड़ी लूज फिट होती है, एकदम टाइट नहीं होती, तो लूज फिट होने से क्या होता है, एक तो ब्रेथेबल हो जाती है, और समर्स में बिल्कुल भी, क्योंकि स्वेटिंग का इशू होता है तो बहुत टाइट कुछ नहीं पहना जाता। इस टाइप के बॉटम्स जो होते हैं बहुत ज्यादा स्मार्ट लगते हैं, कंफर्टेबल होते हैं, ब्रेथेबल होते हैं, आप मतलब स्मार्ट लगोगे, साथ ही साथ आपका कंफर्टेबल लेवल भी होना चाहिए, तो उसमें भी आप बिल्कुल फिट रहोगे, मतलब आपको बिल्कुल भी अनकंफर्टेबल नहीं रहेगा। तो कुछ इस टाइप की जैसे कार्गो पैंट्स हो गई, इस टाइप में भी आप इन्वेस्ट कर सकते हैं। सो गाइस, ये थी मेरी फेवरेट पैंट्स जो समर्स में मुझे बहुत ज्यादा पसंद है। कुछ पैंट्स मैंने अभी खरीदी हैं इसी साल, कुछ पैंट्स मेरी पुरानी है, कुछ बहुत ही पुरानी है, तो मतलब ये ऐसी है कि मैं इनको 2-3 साल से यूज करती आ रही हूँ और अभी भी ट्रेंड में है, तो ऐसा नहीं कि एक बार मैंने पैसा इन्वेस्ट किया है तो बेकार हो गया है, अभी चल रहा है और अगले साल नहीं चल रहा है। तो इस टाइप की पैंट्स में आप जरूर इन्वेस्ट कर सकते हो, ब्लैक एंड व्हाइट कलरफुल पैंट्स, कार्गो पैंट, चेक पैंट्स, इनको आप कभी भी लोगे आउटडेटेड नहीं लगेगी, हमेशा फैशन में इन रहेगी। आई होप आपके लिए जो वीडियो हो वो हेल्पफुल और
यूजफुल रही हो, पसंद आई हो तो प्लीज लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा अपनी फ्रेंड्स और फैमिली में, सब्सक्राइब कर लीजिए चैनल को नहीं किया है तो। मोर अपडेट्स के लिए इंस्टा पे फॉलो करना बिल्कुल ना भूलें, इंस्टाग्राम हैंडल है style.n.dine। तो मिलती हूँ आपको अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, थैंक यू, टेक केयर।